और अब आप खुद बताओ, पहले मैं भाई से पूछ रहा हूँ कौन सा कलर अच्छा लग रहा है भाई की वाइट में। भाई आप बताओ क्या अच्छा लग रहा है। ब्लैक बेस्ट है भाई। अच्छा बताओ कौन सा कलर अच्छी लगती है। ब्लैक अच्छी लगती है। मेरा भी ब्लैक ही लेने का मन था बट वेट वेट कर लेते यार थोड़े बहुत। ज्यादा वेट था यार इसका। है कितने वेटिंग कितनी वेटिंग बता रहे हो? कम से कम 3 महीने का। तो जयपुर से ले लेते यार, ज्यादा दूर पड़ जाता। तो हेलो गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। तो शाम हो रखी है, देखो सूरज जाने वाला है नीचे, अभी काफी टाइम है। ओ भाई चेतन एम डिलीवर भाई। तो अपनी एमटी हो रही है साफ, आज तो अरमान साफ कर रहा है। तो आज जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज अपन बनाने वाले हैं कौन सा कलर बेस्ट है, ब्लैक या फिर दूसरा वाइट आता है जो वाइट ऑरेंज आता है, कौन सा बेस्ट है। क्योंकि एक भाई ने अभी न्यू एमटी ली है और उसने लिए वाइट ऑरेंज कलर में, तो कंपेयर करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कौन सा कलर बेस्ट लगता है। अभी मैं उस भाई के पास जा रहा हूँ और तुम्हारे भाई ने कटिंग करा ली, देखो कैसी लग रही है। देखो। तो अब मैं निकलता हूँ यहाँ से, है ना, उस भाई के पास पहुँचता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कौन सा कलर बेस्ट है और कौन उस भाई को कितने में पड़ी, सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है चलो यहाँ से चलते हैं। लोकेशन पे और रफीक भाई भी आ चुका है, देखो येरा, और ये री भाई की एमटी जो कि 2023 मॉडल है। क्या इस कलर का नाम क्या है? ये कलर है सिल्वर कलर। सिल्वर, ये आपने इस पे वो कराया ना, लेमिनेशन करवाया ना? हाँ। तो भाई ये देख लो, ये ब्लैक है और वो वाइट है, देख लो दोनों कलर्स आपके सामने, देखो। तो ठीक है गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ कि ब्लैक और वाइट में क्या क्या डिफरेंस है और कौन सा कलर अच्छा लग रहा है, ये भी आप बताना। आप भी कमेंट करके बताना, रफीक भाई भी बताएंगे कौन सा कलर अच्छा है, मैं भी बताऊँगा कौन सा अच्छा है। तो पहले मैं आपको इनमें चेंजेस बता देता हूँ क्या क्या है। कुछ चेंज नहीं है गाड़ी में, गाड़ी बिल्कुल सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। ये 1 तारीख को निकली है, वो 8 तारीख को निकली है इसी मंथ में। तो इसमें आप कलर देख सकते हो, ये आपको वाइट टैंक मिलता है, उसमें ब्लैक मिलता है, और ये पीछे तो ये भी ब्लैक है लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग ग्लोसी ब्लैक मिल जाता है आपको। और एक डिफरेंस इस कलर में ये है, जो कि आगे की मगराट है वो आपको मिलती है वाइट और ये मिलती है ब्लैक। तो कुछ जो ब्लैक है उसमें देखो कुछ ऐसी लुक आती है, ऑरेंज अलॉय लाती है, इसमें भी ऑरेंज अलॉय है सेम, बट ब्लैक के साथ ये ऑरेंज मैचिंग ऐसी हो रही है और ये देख लो वाइट के साथ ऐसी हो रही है मैचिंग। तो भाई ने देखो ये आई मॉडिफिकेशन करा रखी है। भाई कहाँ से कराई है तूने मॉडिफिकेशन? कहाँ से? लारा भाई ने करी। लारा ने कहाँ पे नहीं दुकान? लारा अपने बस स्टैंड। अच्छा बस स्टैंड। कितने रुपए वहीं मॉडिफाई हुए? कितने रुपए में हुई है यार? ये लगभग नहीं तो 800-900 रुपए लग गए थे मेरे को। 800-900 रुपए में हुई। और ये लेमिनेशन कितने में करा पूरा? लेमिनेशन करा था 900 रुपए में। यार एक चमक कैसा रहा लेमिनेशन? शाइनिंग आती है भाई। अच्छा। तो गाइस ये लेमिनेशन अब थोड़ा शाइनिंग का है, मतलब कलर थोड़े कलर अलग अलग कलर दिखते हैं, अपना सिंपल लेमिनेशन है जो कि ऑल ब्लैक दिखता है। तो और अब आप खुद बताओ, पहले मैं भाई से पूछ रहा हूँ कौन सा कलर अच्छा लग रहा है भाई की वाइट में। भाई आप बताओ क्या अच्छा लग रहा है? ब्लैक बेस्ट है भाई। अच्छा बताओ कौन सा कलर अच्छा लगती है? ब्लैक अच्छी लगती है। मेरा भी ब्लैक ही लेने का मन था बट वेट वेट कर लेते यार थोड़े बहुत। ज्यादा वेट था यार इसका। कितने वेटिंग कितनी वेटिंग बता रहे हो? कम से कम 3 महीने का। तो जयपुर से ले लेते यार, ज्यादा दूर पड़ जाते। मैं जयपुर से तो लेकर आया था। तो गाइस भाई को तो ब्लैक ही पसंद है, मेरे को ब्लैक ही पसंद है, आपको भी ब्लैक ही पसंद होगी। तो एक बार लुक्स देख लो आप दोनों की, मतलब बिल्कुल मतलब कलर से बिल्कुल डिफरेंट लुक हो सकती है, मतलब हो जाती है। और ये भाई ने हटाने रखी और मैंने ये टैलेंटेड भाई ने हटाने रखी, मैंने ये हटा रखी है। नंबर प्लेट नहीं आई ना आपकी? नंबर प्लेट नहीं आई यार अभी। यार ये गंदी हो रही है, बारिश ऐसे आ रही है डेली डेली गंदी हो जाती है। भाई हेलमेट नहीं लिया तूने? हेलमेट नहीं लिया तूने? मैंने भी नहीं लिया, दोस्त का है। गाइस ये हेलमेट देख लो एक बार आप, कैसा लग रहा है? अगर आपको ये हेलमेट अच्छा लग रहा है ना तो कमेंट करके बताओ ये लेना है नहीं लेना। मेरे को तो ये पसंद है, देखो मेरे को तो ये हेलमेट पसंद है, बट मेरे को ना ये ब्लैक के साथ एक कलर पसंद नहीं है। तो आप मुझे ये बताओ कि ब्लैक बाइक पे ये वाला हेलमेट लूँ तो कौन सा कलर मिलूँ? ठीक है हेलमेट तो ये लूँगा, देखो मेरे को अच्छा लग रहा है, ठीक है अच्छा हेलमेट है, थोड़ी सी मॉन्स्टर सी लुक आती है इसके साथ मैच हो रही है। तो और क्या क्या डिफरेंस है भाई इसमें? कुछ 1000 और लगवाया मैंने। 1000 लगवाया? हाँ ये लाइट का देख रहे हो आप, अभी मैं भी लगवाऊंगा इसमें अभी। तो
अपने पीछे टेल्टी, अब इसमें पीछे टेल्टी लगवाएंगे ना जब चारों इंडिकेटर्स एक साथ चलेंगे वो वाला करवाएंगे, अब इसमें काफ़ी हुआ है। और एग्जॉस्ट लगाने क्या सोच रहे हो यार? एग्जॉस्ट तो रहने दे भाई, यार मैं भी नहीं लगा रहा पर एग्जॉस्ट लगवाएंगे यार, मजा आता है। देखे निकल अपन उधर गए थे जब बालक के लगे थे जब, एक दो महीने के लिए यार लगवाएंगे एग्जॉस्ट लगवाएंगे इस टाइम से, मतलब आप पर थोड़े टाइम बाद लगवाएंगे। और क्या है इसमें सेम है गाइस, देख लो लुक्स, लुक्स देख लो, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार अच्छे से, देखो यहाँ से ऐसी लुक आ रही है इसकी। और अगर साइड प्रोफाइल से बात करें ना तो देखो साइड प्रोफाइल से ऐसी लुक आती है, वो वाइट वाली और ये ब्लैक है, भाई को तो ब्लैक ही पसंद है। फाइनल अपन बात कर लेते हैं, बहुत से भाइयों को कन्फ्यूजन होता है कि ब्लैक कलर में, मतलब ब्लैक कलर में और वाइट कलर में प्राइस का डिफरेंस है, ऐसा कुछ है क्या? प्राइस का डिफरेंस कितने की पड़ी आपको ये? भाई मेरे को पड़ी थी ऑन रोड 2,09,000 रुपए। आपको 2,09,000 की पड़ी ना, तो ऐसे मेरे को ना 2,08,000 की पड़ी है, सिर्फ 1,000 का वो कंसेशन हुआ था, मतलब जो भी कम तो हुई थी। शोरूम का भी फर्क आ जाता है, शोरूम का फर्क आ जाता है, सिटी का फर्क आ जाता है, आरटीओ वगैरह का तो फर्क आ जाता है, दोनों की है 2,08,000 की है। तो भाई कलर में कोई प्राइस कम ज्यादा नहीं है, सेम कलर कोई सा भी कलर लो, 2,08,000 की पड़ेगी, वेटिंग ज्यादा आएगी गाइस। अगर आपको पैंथर लेनी है तो वेटिंग तो करनी पड़ेगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। भाई रील बनाने में लग रहा लेट के। और व्हाइट कलर ब्लैक कलर और क्या डिफरेंस था? अच्छा ये बताओ माइलेज कितनी दे रही है, तुमने चेक किया होता? माइलेज अभी मेरे को एग्जैक्ट दे रही है 44 की, अरे मुझे 45 की, 25 की माइलेज दे रही है। अरे ना सच्ची मैंने कल माइलेज टेस्ट किया, तुमने व्लॉग नहीं देखा? देखो यार वो मैं, लेकिन 25 पता 25 की दे रही, पता ना कोई दिक्कत आ रही है कुछ का यूरो में, यार चेक कराऊंगा यार शायद कोई दिक्कत आ रही है माइलेज, ये नहीं माइलेज दे रही ना 44 दिखा रही है ना तेरी, हां अपनी दिखा रही है माइलेज 31 देख यार, कुछ दिक्कत आ रही है इसको एक बार चेक कराऊंगा और देखो क्या बोलते हैं कितना किलोमीटर चला माइलेज। अब क्या पता 43.6 है मेरी, क्या पता अब दूसरी सर्विस हो जाए जब हो जाए ठीक हो जाए थोड़ी सी, हो भी सकता है, तो माइलेज का तो इशू है ही, इसको भी करेंगे ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। चल तो ये देखो इतनी गई 58,19,000 चल रहा है। अरे यार हमारी स्प्लेंडर चोरी होगी इस वजह से, यही चलती है स्प्लेंडर उठ गई ना मंडी में, चल गई तेरी भाई। अरे यार स्प्लेंडर चोरी होगी तो भाई यही चलाता है, मैं भी ये चलाता हूँ, व्लॉगिंग ले जाता हूँ राइड पे तो चल जाती है यार, आ जाएगी। और गाइस मैंने आपको बताया था ना एडसेंस मेरा अभी भी प्रोग्रेस नहीं है यार, वो थोड़ा स्टार्ट हो जाए ना तो कुछ, हाँ भाई चैनल मोनेटाइज हो जाए तो अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चैनल मोनेटाइज होने के बाद अपन बढ़िया बढ़िया, मतलब थोड़ी टेंशन फ्री हो जाएंगे, अभी तो टेंशन है थोड़ी सी। और ये टेल टाइडी हटाने क्या रहा है, टेल टाइडी हटाऊं नहीं हटाऊं? हटाऊंगा यार टेल टाइडी हटाऊंगा, अरे टेल टाइडी से तो मजे आते हैं हटने के बाद, ये भी हटाऊंगा क्या ये? अरे इससे एक बात बताऊं, इसमें कीचड़ नहीं आएगी बिल्कुल भी, तो कीचड़ में चलाएंगे ही नहीं ना, बिल्कुल नहीं आएगी कीचड़, पता है मैं ये सोच रहा था कि यार मैंने वो हटा दी कीचड़ आएगी, पर मैं चलाता हूँ ना भाई, आपको एक बात बता दूं, आप बोल रहे थे ना ये हटाओ, इससे पता क्या फायदा, बारिश में चला लो बिल्कुल पता है छींटे नहीं आएंगे आपको ऊपर, बिल्कुल भी नहीं आएंगे, पीछे बैठा लो उसके ऊपर भी नहीं आएंगे, बहुत अच्छा फायदा है इसका, मतलब इसका तो ये तो फायदा ही नहीं है ना। हाँ नहीं वैसे सही है यार, वैसे कम अच्छी लग, फायदा नहीं है, अच्छी लगती है लेकिन पता है लुक जब आती है ना वो, हाँ छोटी सी सीट और टायर बाहर निकल रहा है, मतलब एक छोटी सी बाइक लगती है तो वो तो लुक तो तभी आती है। तो ठीक है गाइस मैंने आपको कलर बता दिया कौन सा लेना चाहिए, तो कलर आपके हिसाब से भाई कौन सा लेना चाहिए कलर? भाई ब्लैक भाई, अगर तो वेट कर रहे हो तो ब्लैक, अगर भाई वेट कर सकते हो तो कलर लेना चाहिए ब्लैक कलर का, मैंने आपको बता दिया ब्लैक कलर अच्छा लगता है, और आप कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा कलर अच्छा लग रहा है, देखो भाई को ब्लैक लग रहा है, मेरे को ब्लैक लग रहा है, वेटिंग करो ब्लैक कलर लो, पैंथर के लिए वेटिंग तो करनी पड़ेगी, तो देख लो आप दोनों कलर ऐसे लग रहे हैं, तो मैंने आपका कन्फ्यूजन दूर कर दिया, हमको तो ब्लैक पसंद है, भाई को ब्लैक पसंद है, सबको ही ब्लैक पसंद है, ब्लैक सबको ही पसंद है, एमटी तो सबको ही पसंद है, और एक कलर हो रहा था ना ब्लू ब्लू, उसको भी काफी लोग पसंद करते हैं, मेरे को इतना खास पसंद नहीं हो, तो देख लो ब्लैक कलर अच्छा लगता है गाइस, वाकई में अच्छा लगता है, अगर आप लेने की सोच रहे हो पैंथर एमटी तो आप ब्लैक कलर लो, ठीक है। और एक चीज और मेरे को मतलब थोड़ी क्लियर करनी थी, भाई भाई कमेंट कर रहे हैं कि भाई आपने पैंथर नाम रखा है, आपने अक्षय पालक को जो मतलब एक भैया है वो भाई अपना जो मतलब रील्स वगैरह बनाता है व्लॉग्स वगैरह बनाता है उसका मतलब नाम चोरी गया है, तो भाई नाम मैंने चोरी नहीं किया, मैंने बाइक लेने से पहले बहुत दिन पहले मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी बाइक का पैंथर नाम रखूंगा, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, अब देखो भाई उन भाई ने रख रखा है तो ऐसा थोड़ी मैं बाइक का नाम चेंज कर लूँ, मैंने कोई चुराया उराया नहीं है, ऐसा थोड़ी है कुछ माया हुआ चुरा ली मैंने, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अपना नाम मेरे को था बाइक का पैंथर रखना है तो मैंने पैंथर रखा, और अगर नाम भाई चेंज करना भाइयों को और अगर नाम है तो नाम बता दो मैं और रख लूँगा, बट मेरे को पैंथर अच्छा लगता है, मैंने बहुत पहले सोचा था कि बाइक का नाम पैंथर ही होगा, कोई चोरी वोरी नहीं किया अपने, ठीक है ना, तो ठीक है भाई चलते हैं फिर व्लॉग फिनिश करते हैं, भाई से मिल लो भाई का नाम, ठीक है भाई बता मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तो आपको बता देना कमेंट करके कौन सी बाइक अच्छी लगी, ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी ना तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और प्यार दिखाओ, मेरा वो वेरीफाई करवा दो यार, प्रोग्रेस में चल रहा है उसको करवा दो जल्दी से, तो ठीक है बाय, हाँ किसी को पता हो ना तो बता दो प्रोग्रेस मतलब कितने दिन में हो जाएगा, प्रोग्रेस में क्यों है, सेकंड स्टेप एडसेंस का, ठीक है ना,
तो ठीक है चलते हैं, अब मैं रील्स वगैरह बना रहा हूँ। मैंने आपको वो अकाउंट बता रखा ऑफिशियल शाहिल खान 111, ठीक है मैं अभी लिख दूंगा नीचे आ रहा होगा, देख लो आप। और ठीक है रील्स देखना, मस्त मस्त आएंगी ठीक है ना। अब मैं रील्स बना रहा हूँ, घर चलते हैं ठीक है, बाय।